नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के कार्यक्रम में। मैं हूं अनु शर्मा। तो आइए सबसे पहले रुक करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की दिल्ली चुनाव के दौरान की गई बयानबाजी के विरोध में हमीरपुर गांधी चौक पर युवा कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। पुलिस के कड़े पहरे के बावजूद युवा कांग्रेस ने अनुराग ठाकुर का जलाया पुतला। युवा कांग्रेस के द्वारा अनुराग ठाकुर के इस्तीफे की भी की गई मांग। जिला हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी को आज लगा जोर का झटका। कांग्रेस के अग्रणी संगठन सेवा दल के जिला प्रमुख राजीव चोपड़ा ने थामा भाजपा का दामन। बलदेव शर्मा ने राजीव चोपड़ा को पार्टी का पटका पहनाकर किया स्वागत। वेस्टलैंड मैनेजमेंट में हमीरपुर के हाई स्कूल डुग्गा ने सैकड़ों स्कूलों को पछाड़ते हुए पूरे प्रदेश में बनाया अपना दबदबा। 6 फरवरी को नई दिल्ली में ग्रीन स्कूल अवार्ड के तहत वेस्टलैंड मैनेजमेंट अवार्ड से जाएगा नवाजा। डुग्गा स्कूल को राष्ट्र स्तर का अवार्ड मिलने की सूचना मिलते ही पूरे स्कूल में खुशी की लहर। पुलिस थाना ऊना के तहत दुसाड़ा में एक वोल्वो बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में बस में सवार 4 लोग हुए घायल। घायलों को उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से पहुंचाया गया ऊना अस्पताल।